पीएम मोदी जहां भी जाते हैं उनका अंदाज सबको प्रभावित करता है। वो दुनिया के बड़े नेताओं के साथ जब वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं तो पूरे हिंदुस्तान की नजर उन पर होती है। वो दुनिया के प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। लेकिन आज हम आपको जो बात बताने जा रहे हैं उससे आपको भारत और पीएम मोदी की लोकप्रियता का असल अंदाजा लग जाएगा। दरअसल चीन में पीएम मोदी की लोकप्रियता काफी तेजी से बढ़ रही है। इसका खुलासा किया है अमेरिका की एक जानी मानी पत्रिका ने। अमेरिका की पत्रिका डिप्लोमेट में प्रकाशित एक रिपोर्ट की माने तो चीन ने इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले लोगों के बीच भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता काफी तेजी से बढ़ी है। चीन में लोग उन्हें सम्मान से मोदी लॉक्सियन के नाम से बुलाते हैं। इस चीनी शब्द का हिंदी में मतलब है मोदी अमर। चीन के लोगों के बीच पीएम मोदी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। चीन में पीएम मोदी की लोकप्रियता ऐसे समय में बढ़ रही है जब भारत और चीन के बीच सीमा विवाद बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पीएम मोदी का चीन में लोकप्रिय होना काफी आश्चर्य भरा है। अमेरिकी पत्रिका डिप्लोमेट के लेख में चीन में भारत को कैसा देखा जाता है में पत्रकार म्यू चुन शान ने यह भी लिखा कि ज्यादातर चीनी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व के प्रमुख देशों के बीच संतुलन बनाकर रख सकता है। चीनी सोशल मीडिया सीना वेइबो चीन में ट्विटर जैसा सोशल मीडिया मंच है और इसके 58.2 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता हैं। अमेरिकी पत्रिका डिप्लोमेट में पीएम मोदी को लेकर लिखा गया है, चीनी इंटरनेट पर प्रधानमंत्री मोदी का एक असामान्य उपनाम है मोदी लाओक्सिन। लाओक्सिन का संदर्भ कुछ विशेष क्षमताओं वाले एक बुजुर्ग अमर व्यक्ति से है। उपनाम का अर्थ है कि चीन में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले लोग सोचते हैं कि मोदी कुछ अलग है और आश्चर्यजनक भी अन्य नेताओं की तुलना में। चीन में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले लोग सोचते हैं कि बाकी नेताओं की तुलना में पीएम मोदी अलग है। म्यू चुन शान ने लिखा है कि चीनी लोग मोदी की पोशाक और शारीरिक हाव-भाव दोनों से प्रभावित हैं। चीन में लोग पीएम मोदी के कुछ नीतियों को भारत की पिछली नीतियों से अलग मानते हैं। चीनी लोगों का मानना है कि रूस और अमेरिका समेत दूसरे देशों के साथ भारत के दोस्ताना संबंध हैं। पत्रिका में प्रकाशित लेख के मुताबिक लॉक्सिन शब्द नरेंद्र मोदी के प्रति चीनी लोगों की जटिल धारणा को दर्शाता है जिसमें जिज्ञासा और विस्मय दोनों शामिल हैं। इस लेख को लिखने वाले पत्रकार म्यू चुन शान ने कहा है कि मैं करीब 20 साल से अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग कर रहा हूं और चीनी लोगों के लिए किसी विदेशी नेता को उपनाम देना दुर्लभ है। मोदी को एक सरनेम देना अन्य सभी से ऊपर है। निश्चित रूप से उन्होंने चीनी लोगों पर एक छाप छोड़ी है। टाइम्स ऑन भारत डिजिटल की रिपोर्ट।